राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त आदरणीय गुरमीत सिंह जी, हमारे पूज्य संत आदरणीय सहदेव चिदानंद जी महाराज, कैबिनेट मंत्री आदरणीय सतपाल महाराज जी, आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी, हमारे इस हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र जिसमें हमारा ये ऋषिकेश भी आता है, ये पूरा क्षेत्र आता है, उसके लोकप्रिय सांसद और भारत सरकार के मंत्री और उत्तराखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय रमेश चंद्र पोखरियाल जी, नगर निगम की महापौर नेता मंगई जी और उनके संयोजन में ये सारा कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। हेमकुंड साहब मैनेजमेंट ट्रस्ट के श्री महेंद्रजीत सिंह इंद्रा जी जो इसका संचालन भी कर रहे हैं, हमारी महिला आयोग की अध्यक्ष बहन कुसुम पंडवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई रविंद्र राणा जी, विनय उनियाल जी, कविता शाह जी, जितेंद्र जी, संजय जी एवं सभी यहाँ पर उपस्थित हमारे आए हुए सभी पदाधिकारीगण, सभी उपस्थित माताएं बहनें, मेरे सभी नौजवान साथी, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, हमारे पंच प्यारे भी यहाँ पर उपस्थित, मैं उनको भी नमन करता हूँ। हमारे भाई बलजीत जी जो हर साल इस यात्रा का कुशल संयोजन में और हम सब के एकत्रीकरण में इनका भी बड़ा योगदान होता है, श्री बलजीत सिंह सोनी जी, जितेंद्र जी, प्रतीक भाई एवं राजपाल जी मेरे पुराने मित्र सभी उपस्थित। मैं सबसे पहले तो आज गुरु ग्रंथ साहब जी को प्रणाम करते हुए नमन करते हुए कि आज ये शुभ दिन जिस दिन हमारी ये यात्रा आज से प्रारंभ हो रही है और ये यात्रा पूरी तरह से बिना किसी विघ्न बाधा के चले, बिना किसी परेशानी के चले आने वाले जो हमारे श्रद्धालु हैं, जाने वाले हमारे भक्तगण हैं, उनको किसी प्रकार की परेशानी नहीं। मैं गुरु ग्रंथ साहब से प्रार्थना करूंगा, गुरु घर में प्रार्थना करूंगा कि सबकी यात्रा सहज हो, सरल हो और बिना किसी परेशानी के, और गुरु महाराज हम सब पर कृपा करें। आज क्योंकि हेमकुंड साहब यात्रा प्रारंभ हो रही है, लेकिन इससे पहले चार धाम की यात्रा 22 अप्रैल से प्रारंभ हो रही थी। 22 अप्रैल को जहां गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट खुले थे, वहीं 25 अप्रैल को केदारनाथ के कपाट खुले थे, 27 को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले थे और लगातार यात्रा चल रही है। एक महीने का कालखंड आज से 4 दिन बाद यात्रा का पूरा हो जाएगा। इस बार क्योंकि हमको पहले से ही ये अंदाजा था कि यात्रा पिछले साल से भी बड़ी होगी, पिछले साल की यात्रा में पूरे यात्रा के सीजन में 50 लाख से भी अधिक लोगों ने रजिस्टर्ड रूप से और ऑफलाइन चारों धामों के दर्शन किए थे। पिछले साल भी बहुत बड़ी चुनौती थी, इस साल भी हमारे सामने चुनौती है कि यात्रा सबके सहयोग से सकुशल संपन्न होगा और धीरे धीरे यात्रा अपने चरम पर आ गई है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि केदारनाथ जी ने एक दिन में एक महीने के 30,000 से भी ज्यादा लोगों ने दर्शन के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ था। ये बड़ी चुनौती थी और जहां पिछले एक महीने से लगातार
बर्फबारी भी होगी। यात्रा कठिन है, पैदल जाना पड़ता है और बीच बीच में ग्लेशियर भी आ रहे हैं, बर्फबारी भी हो रही है, बरसात भी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जितने भी हमारे यात्री हैं, जितने भी श्रद्धालु हैं, जितने भी भक्तगण हैं, उनका उत्साह किसी प्रकार से कम नहीं हुआ है, वो लगातार बढ़ रहा है। मैं भी लगातार सबसे अनुरोध और अपील करता रहा हूं कि आप यात्रा तभी प्रारंभ करें, तभी यात्रा में जाएं, जब मौसम के बारे में ठीक प्रकार से जानकारी प्राप्त करें। उसके कारण से जहां उनको स्वयं को कई परेशानियों से वो बचा पाएंगे, वहीं अगर उत्तराखंड आने वाले एक भी तीर्थयात्री को, चाहे वो बद्रीनाथ जा रहा हो, चाहे केदारनाथ जी जा रहा हो, या यमुनोत्री गंगोत्री जा रहा हो, या हेमकुंड साहब जा रहा हो, या हमारे यहाँ के किसी भी धार्मिक स्थल पर, किसी भी देव स्थान पर जा रहा है, अगर उसको थोड़ी सी भी कोई परेशानी होती है तो ऐसा लगता है कि परेशानी मुख्य सेवक होने के नाते मुझे हो रही है। स्वास्थ्य के परीक्षण के लिए भी 50 हेल्थ एटीएम भी लगाए हैं, जगह जगह पर ये व्यवस्था की है, टेलीमेडिसिन की भी व्यवस्था है, लेकिन उसके बावजूद भी यात्रा क्योंकि विषम भौगोलिक परिस्थिति में, हेमकुंड साहब की यात्रा भी बहुत कठिन यात्रा है, इसलिए मैं आप सबके माध्यम से आज इस गुरु घर से, परम पूज्य गुरु ग्रंथ साहब के समक्ष पूरे देशवासियों को, जो भी इस यात्रा में आते हैं, उन सब से यह अनुरोध जरूर करना चाहता हूं कि अपने हेल्थ का परीक्षण ठीक प्रकार से कर लें। स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं है तो स्वास्थ्य को थोड़ा ठीक कर लें, उसके बाद ही अपने चिकित्सक की सलाह से स्वास्थ्य का परीक्षण करवाने के बाद अपनी यात्रा को प्रारंभ करें। वैसे तो गुरु महाराज की कृपा होगी कि सब लोग अपनी यात्रा अच्छी प्रकार से करें, और मैं आज जैसा नरेंद्र सिंह बिंद्रा साहब ने भी कहा कि मैं प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से, उत्तराखंड वासियों की तरफ से, देशवासियों की तरफ से, सबकी तरफ से उनका अभिनंदन और उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो हेमकुंड साहब की बहुत कठिन यात्रा है, जिसके लिए कई दिन लग जाते हैं, वो यात्रा आने वाले समय में कुछ ही घंटों में पूरी की जा सकेगी, क्योंकि पिछले साल उन्होंने अपनी केदारनाथ बद्रीनाथ माणा गांव की यात्रा के दौरान हेमकुंड साहब जाने वाला जो रोपवे है, उस रोपवे का शिलान्यास करते हैं, और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद भी कर गया, जल्दी से जल्दी वहां पर रोपवे का काम प्रारंभ हो जाएगा और आने वाले वर्षों में ये यात्रा हमारे जो शारीरिक रूप से कमजोर हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, वह भी यात्रा आसानी से कर पाएंगे। मैं प्रधानमंत्री जी का एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं, जो बात किसी ने सोची नहीं था, जो कोई सोचता भी नहीं था कि हेमकुंड साहब जाने के लिए एक दिन रोपवे बन जाएगा, एक दिन ये यात्रा जो कई दिनों की यात्रा होती है वो कुछ घंटों की यात्रा हो जाएगी, उसको उन्होंने साकार रूप से करने का काम किया है। इसी प्रकार से केदारनाथ जी जाने के लिए गौरीकुंड से केदारनाथ तक उस रोपवे का भी शिलान्यास हो गया है, दोनों शिलान्यास एक ही दिन हुए हैं, और आने वाले समय में ये दोनों ही यात्रा हमारे लिए बहुत आसान होगी। कर्णप्रयाग ऋषिकेश रेल लाइन का काम तेजी से चल रहा है, ये रेल लाइन का काम पूरा हो जाने के बाद ये यात्रा हमारी रेल से भी की जा सकेगी। सड़क का काम, चारधाम सड़क काम जिस प्रकार से हुआ है वो आप सबके सामने है। इसके अलावा आज अभी ये कार्यक्रम प्रारंभ होने से पहले मैं, गवर्नर साहब, हम लोग सभी लोग नीचे म्यूजियम देखने गए थे। हमने म्यूजियम देखा, क्या हम
जिसकी कल्पना नहीं कर सकती, क्रूरतम किस प्रकार से काटा गया, किस प्रकार से आरी से छीला गया, किस तरह लट्ठे की तरह आरा मशीन के अंदर डाल दिया गया, किस तरह से जोरावर और फतेह सिंह, बाबा जोरावर सिंह और फतेह सिंह किस प्रकार से दीवारों में चुन दिया गया, ये क्रूरतम इतिहास हमको ये सिखाता है जो हमारे दशमेश गुरु ने कहा कि 1,25,000 से एक लड़ाऊ गुरु गोविंद सिंह ने नाम कहा हूं। चिड़ियों से मैं खास चुनाव कि जब हमारे पास शक्ति होगी तो तभी धर्म की रक्षा होगी और उस धर्म की रक्षा का शिक्षा और हमारा मार्ग उन्होंने प्रशस्त किया है। भाइयों बहनों, देश के इतिहास में तमाम सारी घटनाएं हुई, मैं उस पर बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहता, लेकिन 1984 में जो सिखों के साथ कत्लेआम हुआ, उस कत्लेआम करने वाले लोगों को, उन गुनाहगारों को भी, उनको सजा देने का काम किसी के कालखंड में हुआ है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड में हुआ।